फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं, आज मेरी रसोई में क्या बनने वाला है। तो आज मैं बनाऊंगी हरे धनिए की चटनी, चटपटी चटनी। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं एक बार हम। इसके लिए हम लेंगे हरा धनिया और 4 से 5 लहसुन की कलियां और 8 से 10 काजू और जीरा लेंगे हम। उसके लिए 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे और दही लेंगे उसके लिए हम। और क्या कहते हैं, और मैं इसमें चटनी में जो पानी यूज करूंगी वो मैं ठंडा लूंगी, क्योंकि इस ठंडे पानी को डालने से चटनी में इसका कलर ऐसे जैसे धनिया का कलर है इसी तरह का बना रहता है और देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं ठंडे पानी का यूज करूंगी चटनी को बनाने के लिए। और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये धनिया को मैं ग्राइंडर जार में डाल दूंगी इस तरीके से, सारा धनिया डाल दूंगी मैं इसमें और हरी मिर्ची भी डाल दूंगी मैं इसमें। और ये हमारी काजू है, 8 से 10 पीस काजू के लिए है मैंने इसमें, और 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं मैंने इसमें। और ये मैंने जीरा लिया है, जीरा मैं भुना हुआ नहीं है, ये जीरा ये कच्चा जीरा ही है उसे ही लूंगी मैं। ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, तो आप देखिएगा इसका टेस्ट कैसा होता है। आप बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि ये चटनी आपको कैसी लगी। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करें। ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे दही, 4 से 5 बड़े चम्मच दही डालेंगे हम इसमें। दही से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप कभी बनाइएगा ज़रूर, इसे ट्राई कीजिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आप इसे रोटी के साथ, पराठों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा मैंने ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, इसमें थोड़ा सा मैं ठंडा पानी ऐड करूँगी ताकि ये चटनी का कलर ऐसे ही निकल के आया। ठंडा पानी करने से चटनी का कलर हरा भरा दिखाई देता है, तो इसीलिए आइए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और देखते हैं हमारी चटनी कैसी बनती है। तो कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पिसकर तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन है, हरा हरा है। तो आइए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और देखते हैं हमारी चटनी कैसी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनकर अब तैयार है। ये देखिए, आप इसको पतली और गाढ़ी अपनी स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, आपको जैसी पसंद है वो कर सकते हैं आप। और एक बात और है फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको दही पसंद नहीं है तो आप अपने स्वाद के और टेस्ट के अनुसार या तो इसमें नींबू का पल्प भी डाल सकते हैं और इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, नींबू का रस या इमली का पल्प, जो आपको अच्छा लगे वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं खटाई के रूप में। मुझे दही की पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें दही डाला। अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आप दही स्किप भी कर सकते हैं, उसके जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको बनाइएगा जरूर। देखिए ये बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही चटपटी है, टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी है। इसे आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, डोसे के साथ भी खा सकते हैं और पकौड़ी, जो आपको अच्छा लगे उसके आप इसको खा सकते हैं उसके साथ। तो ओके, बाय, थैंक यू।